इस वक्त की खबर आपको बता दें कि आज आगरा के फतेहाबाद में प्रियंका गांधी का रोड शो है। रोड शो को लेकर कांग्रेस नेताओं में भारी उत्साह है। रोड शो फतेहाबाद से गांधी चौराहा अंबेडकर चौक होते हुए बस स्टैंड पर जाकर खत्म होगा। बता दें कि ये रोड शो 1.5 किलोमीटर का होगा। एक बार फिर बता दें कि आज आगरा के फतेहाबाद में प्रियंका गांधी का रोड शो है। रोड शो को लेकर कांग्रेस नेताओं में भारी उत्साह है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मी रास्ते। जी लक्ष्मी, जैसा कि आज आगरा के फतेहाबाद में प्रियंका गांधी का रोड शो है, तो क्या तैयारियां की गई हैं रोड शो के लिए और कितने बजे ये रोड शो होगा? देखो मनीषा, मैं आपको बता दूं, जो फतेहाबाद में जो प्रियंका गांधी का आज जो रोड शो होना है, उसके लिए पूरी तैयारी कांग्रेस और प्रशासन ने दोनों ही कर ली, क्योंकि जो प्रियंका जो गांधी है, क्योंकि पूरा जो मूवमेंट होता है, पूरा VIP मूवमेंट होता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से पूरे चाक चौबंद रखे जाते हैं। और इससे पहले भी जो प्रियंका गांधी, जैसे ही वो इनका गठबंधन जब कांग्रेस के साथ हुआ था, सपा और ये पूरी जब पार्टियां जब गठबंधन हुई थी, तो ये आगरा में जब रोड शो निकाला था सपा से जो मुखिया हैं अखिलेश यादव और जो राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद थे, तो कुल मिलाकर कहा जाए जब उस समय भीड़ की बहुत ज्यादा तादाद थी रोडों पर, भीड़ दिख रही, तो यही एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस बार जब प्रियंका गांधी आएंगी तो रोडों पर सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो आम जनता है, क्षेत्रीय जो जनता है, वो उसमें शामिल होगी और बड़ी संख्या में। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये करीब 3 बजे के बाद का ये समय रखा गया है, क्योंकि निश्चित अभी टाइम कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो जो है, क्योंकि लगातार और भी कई सारी जो कार्यक्रम लगे हैं, उनको कार्यक्रम करने के बाद, ये आगरा में जो कार्यक्रम लगा है उसके बाद 3 बजे के बाद वो पहुंचेंगी। और कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो नेता हैं, चाहे वो शहर अध्यक्ष हों, अध्यक्ष हों, सचिव हों, चाहे उस पुराने जो जो नेता हैं, वो सारे जो नेता हैं सब मौजूद रहेंगे। और एक दिन पहले कल भी उन्होंने वो उस जगह का जायजा लिया, क्योंकि 1.5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा, और ये रोड शो कैसे होगा इस चीज के लिए सब लोग इधर ही उनकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जो प्रियंका जब गांधी जब बोलती हैं, तो कहीं ना कहीं जो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो जोश भर देती हैं। जी लक्ष्मी, ये बताइए कि रोड शो को लेकर कहां-कहां रूट डाइवर्जन किया गया है? देखिए, प्रियंका गांधी क्योंकि बड़ी नेता है, राष्ट्रीय स्तर की जो नेता है और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव भी है, तो उसको लेके जो जिस मार्ग, जो 1.5 किलोमीटर का जो मार्ग होगा, जब जैसे ही रोड शो शुरू होगा, तो उसको पूरा बंद किया है, क्योंकि जो सामने से जो वाहन आ रहे होंगे उनको पूरा डाइवर्ट किया है, दूसरे मार्ग उनको दिए गए ताकि सामने से कोई वाहन न आए, पर हम पीछे से जो वाहन है वो जो जो उनके जो समर्थक हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो आम जनता है, वो उनके पीछे पीछे रास्ते से जरूर वो आ सकती है, पर सामने से आने के लिए किसी को जो मनाई हुई, क्योंकि रोड शो पर जब रोड शो होगा तो जो लेफ्ट और राइट जो जिनके घर या दुकानें या जो भी इमारतें पड़ेंगी, वहां पर लोग अपने घरों से देख रहे होंगे, दुकानों से देख रहे होंगे। हो सकता है कई कई जगह, जैसे हम पहले भी इस तरह के जब रोड शो हुए हैं तो फूलों की वर्षा हुई है और लोगों ने अपने घरों की छतों से फूलों की बरसात की है, तो ये देखने की बात होगी किस तरह का उस वक्त नजारा होगा। सब उस पल के लिए जो कांग्रेस नेता है वो इंतजार कर रहे हैं और पूरी व्यवस्था वहाँ पर जो कर दी गई। जी लक्ष्मी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर बता दें कि आज आगरा के फतेहाबाद में प्रियंका गांधी का रोड शो है। रोड शो को लेकर कांग्रेस नेताओं में भारी उत्साह है। रोड शो फतेहाबाद से गांधी चौराहा अंबेडकर चौक होते हुए बस स्टैंड पर जाकर खत्म होगा। बता दें कि ये रोड शो 1.5 किलोमीटर का होगा। प्रियंका गांधी गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के लिए वोट की अपील करेंगे। रोड शो में आगरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल।